दोस्तों, मेरे पास एक बड़ा नंबर ऐसे बच्चों का है जो या तो अपना जिम चलाते हैं या किसी जिम में एज ए ट्रेनर जॉब करते हैं। तो मैसेज मेरा उन्हीं के लिए, कई बच्चे बोलते हैं कि जी हम जिम में ट्रेनिंग कराते हैं और बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है, कंसंट्रेशन टूट जाता है, इसलिए अपनी ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो भैया देखो, मैं भी अपना जिम 2000 से 22 साल में हो गए मुझे भी चलाते हो, आप इन बच्चों के साथ ही ट्रेनिंग करोगे ना, आपकी ट्रेनिंग खुद की भी अच्छी हो जाएगी और इनका भी फोकस अपनी ट्रेनिंग में बढ़ जाएगा। जब आप इनके साथ इनके टाइम में ट्रेनिंग करोगे ना, आप सेपरेट टाइम पर ढूंढो अपने लिए कि मैं बिल्कुल जिम खाली हो जाएगा तभी करूँगा, नहीं, उससे आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी ना, आप इनको ठीक से करा पाओगे, क्योंकि आपका माइंड अपनी ट्रेनिंग में रहेगा जब ये कर रहे हैं, और जब खुद की करोगे तो जिम खाली पड़ा है। तो इनके साथ ही अपना ट्रेनिंग शेड्यूल बनाओ, खुद की भी ट्रेनिंग करो और इनको भी पूरा इन्वॉल्व होकर ट्रेनिंग कराओ। जो आपके पास बच्चे आते हैं एथलीट जो बनना चाहते हैं, तो इसको कोई बहाना नहीं बनाना कि मैं जिम चलाता हूँ इसलिए नहीं कर पाता। आप तो आपके पास तो और ज़्यादा टाइम है, आप पूरे